बस मेहनत करो एंड जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस. एवरी फिल्म इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉरवर्ड, सो जस्ट वर्क हार्ड. क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं. दादा आप कुछ कहना चाहेंगे You know, Bobby sir is, of course, one of the finest actors, but even a greater human being. And I have so much love and respect for the whole Deol family. So we're very blessed that Bobby sir has come here, and especially now, after Bobby sir has connected with the youth like he has in Animal. I think I watched the film 4 times in the theaters, and every time he came on screen, I was whistling. He could hear me, but he couldn't speak. So, too much love, too much respect. The most wonderful family in our film industry. Thank you so much, sir. Thank you. I think Dashmi ki shuruaat bahut bahut behtareen hui hai. I hope ki humne jitni mehnat ki hai, aap sab tak wo pahunche, and aap sabko ye film bahut pasand aaye. Thank you so much to all of you for coming here. It's a delight to see everybody here. मैं अपने आप को पहली बार बड़े पर्दे पर देखने वाली हूँ, तो गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे. एक्साइटमेंट बहुत जोरों शोरों से है, थोड़ा नर्वसनेस भी है, लेकिन अभी बॉबी सर से मिलकर आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है, एंड आई थिंक आई कैन totally feel it in the air, lots of love and positivity. So I would love to watch the film and see myself the first time on this big screen, and yeah, that's about it. Audience ko main yehi kehna chahungi, firstly thank you so much. Ab tak jitna bhi aap logon ne pyar diya uske liye bahut bahut dhanyawad. ट्रेलर पर, हमारे गानों पर इतना प्यार, इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ एंड कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, दिल खुश हो जाता है ये सब देखकर. एंड हम जैसे नए लोगों को आपने मौका दिया, आई रियली होप कि आप ये पिक्चर देखें, कुछ सीखें, और अपने हम जितने कोशिश में हैं आपके दिल से जुड़ने का वो हो सके. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू. पहले दिन से थी वही है, और उम्मीद है कि हम हिंदुस्तान को जगाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे जी, और लोग हमारी फिल्म को पसंद करें. सर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शांतनु सर ने एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली फिल्म बनाई है. इस फिल्म का जब मैंने स्क्रिप्ट सुना तभी मैं पागल हो गया था. मैंने बोला कि ये फिल्म करनी होगी, वरना मुझे रात को नींद नहीं आएगी. मैंने सर को यही बताया कि कुछ फिल्में हैं जो आप एक क्लेवर माइंड से करते हो, कुछ चीज़ें आप एकदम प्योर माइंड से करते हो. ये फिल्म मैंने उतनी प्योरिटी से की है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो हीरो है. इस फिल्म में सबसे बड़ा हीरो फिल्म की स्टोरी है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर सर है, उसके बाद हम सारे कास्ट मेंबर्स. बॉबी सर आए, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सिर्फ ट्रेलर पे इम्प्रेस होकर उन्होंने यहाँ पर आना कबूल किया. अगर इतने बड़े दिग्गज अगर ट्रेलर देखकर हमारी फिल्म को ब्लेस करने के लिए यहाँ तक आ गए, तो हमने कई हद तक इंडस्ट्री के दिग्गजों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं. Sir, I'll tell you one thing. Bobby sir is one of the finest human beings, not only in the film industry but in the world. मुझे लगता है कि बॉबी सर जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है. मैं बहुत छोटा सा था, पहली मर्तबा बॉबी सर से मुलाकात हुई थी, और बॉबी सर ने मुझे इतना प्यार दिया है, और मेरे घर पे मेरे सामने इतने उन्होंने रसगुल्ले खाए, मुझे याद है वो रसगुल्ले खाते थे, मुझे खिलाते थे. और हमारा जो ये एक प्यार भरा सिलसिला है वो कई बरसों से चलता आ रहा है. आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर हिम, ही शोड सो मच लव टू द फिल्म. वो यहाँ मेरे लिए या शांतनु सर के लिए नहीं, वो इस फिल्म के लिए आए हैं. इस फिल्म का ट्रेलर
ट्रेलर उनको बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, एंड वी आर रियली रियली हैप्पी दैट दे कुड कम एंड ब्लेस अस. हेलो, हाउ आर यू? द डे इज हियर. कांग्रेचुलेशंस. So yeah, too much love for Bobby sir. He has my heart. Thank you. मैं सच्ची में बताऊं, मैं ये फिल्म सिर्फ सर के ड्रीम को पूरा होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है था फर्स्ट डे आई गेव ही गेव द नरेशन, मैं पूरी फिल्म देख पाई थी उस दिन, और उसको सच होते हुए देख के मुझे पता है कि सर के लिए इट इज़ अ वेरी बिग डे एंड आई एम लिटरली हियर टू सपोर्ट इट एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. अनफॉर्चुनेटली हम एक कोई सीन शेयर नहीं कर पाए, बट मैं रिहर्सल में हमारे जब वर्कशॉप्स होते थे देखती थी. माई गॉड, द पैशन एंड द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, द सिंसियरिटी. बट शी सेइंग दैट, मैं कहूँगा कि जब हम रीडिंग्स करते थे, मैं आपको इनके कमिटमेंट के बारे में एक चीज़ बताता हूँ. हम गोवा गए थे एक वर्कशॉप के लिए. वो वर्कशॉप दो दिन तीन दिन का था, तीन दिन का वर्कशॉप था. सिर्फ एक एक स्लॉट था जहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग हर टू कम, बट सर सेड यार एक ही स्लॉट है उनकी रीडिंग्स के लिए, वो नहीं आएंगे अगर, तो कोई बात नहीं यार, बेचारे इतने ट्रैवल क्यों करें. शी केम टू गोवा जस्ट फॉर दैट वन आवर. That is her commitment. So, hats off to her, a true professional and a true friend. सपना पूरा होता है देखते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, और एक खुले आंखों से सच्चे दिल से देखा हुआ सपना है और वो पूरा होते जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती. Thank you. I don't know, मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ बुलाया and I'm really excited. I've come on his request and I really want to see what this film is doing. मैंने अभी तक देखी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने ट्रेलर कुछ वगैरह कुछ भी नहीं देखा. I really want to see what this film holds. So yeah, there I am. For. Response. सबको पता है रिस्पॉन्स इज सो पावरफुल, सो ग्रेट. फिल्म हैज़ डन सो वेल और मुझे बहुत काम मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. क्या यह बहुत बोल दिया गया फिल्म के बारे में और सारी दुनिया जानती है अब कि फिल्म हैज़ डन वेल, इट्स डूइंग वेल एंड यू कैन स्टिल गो. अब तो 100 रुपये की टिकट हो गई है. नहीं, कभी भी नहीं लगा था, कभी भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा जादू हो जाएगा और इतनी बड़ी फिल्म हो जाएगी कि और मतलब मेरे काम को भी इतना सराहा जाएगा, ये नहीं पता था. और सबका काम इतना बढ़िया, सब सारे कैरेक्टर्स हैव कम अप एंड दैट्स द पावर ऑफ अ ग्रेट फिल्म एंड ग्रेट डायरेक्टर. मेरे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट सुनने में आया कि अभी टाइम है उसमें. ये जो जर्नी रही है फिल्म की, इट्स नॉट बीन ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट थी, बट जान के आपको खुशी होगी कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है इतने डिफ़िकल्टीज के बाद. तो प्लीज़ मेरी मानिए, एक बार देख लीजिए. इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस फिल्म में हूँ, फिल्म एक्चुअल में अच्छी है और मैं भी फिल्म में हूँ इसलिए. सर बहुत दो ऑलमोस्ट दो साल से चल रही है, ये दिन का ऐसा इंतज़ार था, किसके लिए भी नहीं था ऐसा इंतज़ार. ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है और देखते हैं क्या होगा. जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म देखिए एक बार, आप एक बार आएंगे आपको पता चलेगा दो साल से हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, सीधा आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट हाफ इन फर्स्ट 10 मिनट्स यू विल नो व्हाट वी हैव बीन वर्किंग ऑन, दैट्स इट. थैंक यू, थैंक यू. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पेंड तो पीवीआर तक का सफ़र मतलब बहुत बढ़िया रहा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आज दशमी का प्रीमियर है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, वेरी वेरी यू नो इमोशनल राइट नाउ. सो हाँ जी, मेरी दादी का सपना तो मतलब आज नहीं कल पूरा होगा. कल 19 तारीख है, कल हमारी पिक्चर रिलीज़ हो रही है, और जब मेरी दादी देखेंगी ये पिक्चर को तो
मुझे बस वही वो चेहरे की वो चमक जो है ना, जो आँखों की, बस वो देखनी है, उससे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं। मैंने अभी जस्ट फर्स्ट हाफ देखा है, अभी जस्ट इंटरवल हुआ है, बहुत अच्छी लग रही है फिल्म, अच्छा टॉपिक है। आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर जितनी ज़्यादा बात की जाए वो कमी है। एंड पिक्चर में एक डायलॉग है कि हम पुराने रावण को यू नो पुराने तरीके से क्यों मार रहे हैं, आजकल के बहुत नए रावण आ गए हैं यू नो विथ न्यू टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक नए रावणों को नए तरीके से मारने की बात की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी है, अच्छी लग रही है मुझे फिल्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड।